तो नमस्कार दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो में लेकर आया हूँ ये हमारा ट्रेसिंग के ऊपर टॉपिक है। कि जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ट्रेसिंग के बारे में हम लोग आपको स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो दे रहे हैं और ट्रेसिंग के जो भी सारी चीज़ें हैं कि करके जो भी मोबाइल फ़ोन का जो बेसिक फॉल्ट्स आते हैं उनको कैसे रिपेयर किया जाएगा, उनका रिपेयर करने का तरीका हम आपको सिखा रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप है इस तरीके से टेक्निकली कोर्स कराए जाते हैं और यहाँ पर हम लोग आपको बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें पूरा थ्योरेटिकल से लेकर के प्रैक्टिकल तक पूरा सारी चीज़ें कवर होती हैं और उसमें जो भी सारे मोबाइल फ़ोन आते हैं उन मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करने का तरीका क्या है, ये सब हम आपको स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाते हैं। चलिए चलते हैं हम अपने वीडियो के ऊपर। तो हम लोग जो आज सीखने वाले हैं तो आज दोस्तों जो हम लोग सीखने वाले हैं ये हैंड फ्री, जैसे इससे पहले की वीडियो मैंने स्पीकर रिंग और माइक के बारे में मैंने आपको समझाया था, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये हैंड फ्री के ऊपर बताने वाला हूँ। यदि हमारे पास कोई भी मोबाइल फोन आता है उस मोबाइल फोन में हैंड फ्री की प्रॉब्लम आती है, हैंड फ्री की क्या प्रॉब्लम आती है, या तो उसमें से हैंड फ्री का ऐसे सिंबल बन जाता है या सिंबल बनता ही नहीं। अगर सिंबल बन जाता है तो स्पीकर रिंग और माइक काम करना बंद कर देते हैं और जिसकी वजह से कस्टमर प्रॉब्लम लेकर के आता है कि देखो भैया इसमें जैक लगा हुआ है, सब कुछ सही है, लेकिन इसमें आवाज आ नहीं रही, जा नहीं रही, ऐसी प्रॉब्लम। या तो हेडफोन को पकड़ता ही नहीं, जब हेडफोन पकड़ेगा नहीं तो ना तो हेडफोन कनेक्ट होगा, ना तो उससे कोई गाने सुन सकता है, ना लीड का उपयोग कर सकता है, मतलब टोटली हेडफोन का काम नहीं करेगा। तो हम लोग पहले बताते हैं कि हेडफोन का सर्किट हमारे मोबाइल फोन में काम कैसे करता है और उसको स्टेप बाय स्टेप चेक कैसे किया जाता है और इसके माध्यम से जो प्रॉब्लम्स आती है उनको कैसे रिपेयर किया जाएगा, उसके बारे में हम आपको बात करेंगे। तो हेडफोन की जो प्रॉब्लम आती है तो हैंड फ्री के लिए सबसे पहली बार जो यूज होता है वो आपका हैंड फ्री जैक, ये आपका हैंड फ्री जैक होता है। हैंड फ्री जैक जो होता है आपका 6 पिन का होता है, कई बार ऐसा होता है कि 5 पिन का भी होता है, 6 पिन का भी होता है, 5 पिन का भी होता है। अब इसमें से क्या होता है, एक पिन जो होती है ये तो ग्राउंड होती है, माइनस होती है। उसके बाद हैंड फ्री को काम करने के लिए हैंड फ्री की जो कनेक्टिविटी होती है वो तुम्हारी पावर आईसी से होती है, कहाँ से होती है दोस्त, पावर आईसी से। हैंड फ्री को काम करने के लिए सबसे पहली बात क्या है कि इस पे वोल्टेज आते हैं, बीच में ट्रैक में रजिस्टर लगे होते हैं, एक रजिस्टर लगे होते हैं या दो रजिस्टर लगे होते हैं ये तो हमको चेक करने के बाद ही पता चलता है, एक रजिस्टर यूज होता है। ये जो जिसमें रजिस्टर रहता है, मैं सारे ट्रैक के बारे में भी मैं आपको समझाता हूँ, पहले सारी लाइन आपको बना देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ। हैंड फ्री का जो ट्रैक होता है, इस हैंड फ्री के ट्रैक की अगर आप बात करेंगे तो इसमें हैंड फ्री का एक होता है डिटेक्शन पिन, उसके बाद होता है एक हैंड फ्री का राइट, एक होता है हैंड फ्री का लेफ्ट, एक होता है हैंड फ्री का बटन का पिन होता है, एक होता है हैंड फ्री का माइक होता है। कई बार ऐसा होता है कि ये वाली पिन किसी किसी फोनों में कई बार नहीं पाई जाती, इसकी कोई कनेक्टिविटी नहीं होती और मोस्टली जो कनेक्टिविटी होती है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन 5-4 ट्रैक की कनेक्टिविटी होती है। सबसे पहला ट्रैक कौन सा होता है, ग्राउंड, फिर होगा हैंड फ्री डिटेक्शन, उसके बाद तीसरा ट्रैक जो होता है हैंड फ्री लेफ्ट, हैंड फ्री राइट, हैंड फ्री माइक, इस तरीके से आपकी क्या होती है, पिंस होती हैं। तो सबसे पहली बात हैंड फ्री डिटेक्शन के लिए क्या होता है, ऐसा सिंबल बना होता है और सिंबल बनने की वजह से प्रॉब्लम आती है, हैंड फ्री का सिंबल बन जाता है तो स्पीकर रिंग और माइक काम नहीं करते। तो ये मैंने आपको पूरा हैंड फ्री के बारे में मैंने आपको फ्लो चार्ट आपको समझाया है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि इसको रिपेयर कैसे करते हैं। अगर आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आता है उस मोबाइल फोन में समस्या आती है कि हैंड फ्री का सिंबल बन करके आता है तो स्पीकर रिंग और माइक काम नहीं करते, तो आप मोबाइल फोन को खोलेंगे
मोबाइल फोन खोलने के बाद सबसे पहला काम करेंगे हैंड फ्रीजर को साफ सुफ करेंगे, हैंड फ्रीजर साफ सुफ करें, साफ सुफ करने के बाद नहीं होता उसको रिसोल्ड करें, हो सकता है इन पिनों में ड्राई सोल्ड कार्बन आ जाता है, तो आयरन से जैसे रिसोल्ड करते हैं तो रिसोल्ड करने से प्रॉब्लम हमारी ठीक हो जाती है। अगर उसके बावजूद भी समस्या सेम है तो हम लोग हैंड फ्रीजर को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। जैसे हैंड फ्रीजर को चेंज कर देते हैं तो हैंड फ्रीजर चेंज करने से हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती है। हैंड फ्रीजर चेंज करने के बावजूद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, ये कई बार ऐसा होता है कि एंड्रॉयड मोबाइल फोन में ऐसा देखा जाता है कि हैंड फ्री के लिए नीचे पूरा यूआई का सिस्टम ही बना दिया गया है। अगर पूरा यूआई का सिस्टम होता है तो आप जैक चेंज करने के बाद नहीं होता, तो चाहो तो पूरा यूआई का यूआई ही चेंज करके देख सकते हो। अगर आपने यूआई चेंज कर लिया या जैक चेंज कर लिया उसके बावजूद भी प्रॉब्लम सेम है, फिर भी आपके मोबाइल फोन में हैंड फ्री या तो कनेक्ट नहीं होता या तो कनेक्ट हो जाता है तो उसको छोड़ता नहीं, तो इसका मतलब आप ये समझ जाइए कि उसके लाइन में 101% उसके लाइन में जो डिटेक्शन लाइन है ये खराब हो गई। अगर तुम्हारी डिटेक्शन लाइन खराब हो जाएगी, डिटेक्शन लाइन में होता क्या है कि पावर आईसी के माध्यम से यहाँ पर जो वोल्टेज आते हैं ये 2.8 वोल्टेज आते हैं, ये जो 2.8 वोल्टेज आते हैं तब हेडफोन डिटेक्ट होता है। कैसे डिटेक्ट होता है, जब हेडफोन को आप पूरा ऐसे घुसड़ देते हो, ऐसे जैसे आप हेडफोन को पूरा अंदर डाल देते हो, तो अंदर डालने से क्या होता है, ग्राउंड वाली पिन और इस वाली पिन की ऐसी कनेक्टिविटी होती है, जैसे इस पिन की कनेक्टिविटी होती है तो कनेक्टिविटी होते ही पावर आईसी को पता चल जाएगा कि हेडफोन लग गया है और आपके मोबाइल फोन में जो स्पीकर रिंगर माइक की लाइनें होती हैं उन लाइनों को आउट बंद कर देता है और उनकी लाइनों का आउटपुट क्या होता है, हैंड फ्री जैक की तरफ डाल देता है, जिससे आपके हैंड फ्री जैक में स्पीकर रिंगर माइक काम करना चालू हो जाता है। तो अगर ये वाली पिन खराब हो जाएगी, डिटेक्शन की लाइन खराब हो जाएगी, डिटेक्शन की सप्लाई खराब हो जाएगी, डिटेक्शन की पिन खराब हो जाएगी, तो फिर आपके मोबाइल फोन में प्रॉब्लम आएगी कि हैंड फ्री की सिंबल से संबंधित प्रॉब्लम आएगी, तो इस पिन को हमको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा, जब यहाँ पर आप चेक करेंगे तो इसके लाइन में यहाँ पर रेजिस्टेंस लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं, यहाँ पर जो होते हैं इसके लाइन में क्या लगे होते हैं, रजिस्टर लगे होते हैं। अगर यहाँ पर अगर ये मान लो सप्लाई खराब हो जाती है तो इसके लाइन में जो रजिस्टर खराब हो जाता है, जिस कारण से प्रॉब्लम आती है, इसमें तो जो रजिस्टर लगे होते हैं दो तरीके के रजिस्टर लगे होते हैं, एक तो जो पहला रजिस्टर होता है वो तो लगा होता है, दूसरा जो रजिस्टर लगा होता है इसकी हाई वैल्यू होती है। हाई वैल्यू होने का मतलब होता है जैसे 20 किलो ओम का होता है, और ये वाला रजिस्टर नॉर्मली ऐसे ही होता है, बहुत कम वैल्यू का होता है, मतलब 10 या 50 ओम का होता है। तो आप इस पे चेक करते हैं तो चेक करने पर बीप आती है, अगर ये वाला खराब हो जाएगा तब भी काम नहीं करेगा, तो हम लोग क्या कर देते हैं, इसको हटा करके जम्पर मार देते हैं। लेकिन जो सर जो 20 किलो ओम वाला जो रजिस्टर होता है, अगर ये खराब हो जाता है, 10 किलो ओम का होता है, 23 किलो ओम का होता है, 47 किलो ओम का होता है, अगर इनमें से अगर ये रजिस्टर खराब हो जाएगा तो फिर आप इसमें जम्पर काम नहीं करेगा, फिर इसकी जगह पर आपको ये काम करना पड़ेगा, जो हैंड फ्री का जो रजिस्टर है, अगर मान लिया 20 किलो ओम का लगा है, 25 किलो ओम का लगा है, 23 किलो ओम का लगा है, जितने भी किलो ओम का लगा है, वो आप किसी दूसरे मोबाइल फोन से या किसी दूसरे बोर्ड में उतनी वैल्यू को चेक करके आप निकाल करके इसमें आप लगा सकते हैं। जैसे आप निकाल करके लगा देंगे तो आपके मोबाइल फोन में हैंड फ्री की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। जब हैंड फ्री की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो आपकी समस्या सही हो जाएगी। तो ये दोस्तों मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो भी मोबाइल फोन आते हैं उस मोबाइल फोन में हैंड फ्री की प्रॉब्लम आती है, हैंड फ्री का सिंबल आता है तो उसको हम लोग कैसे रिपेयर करते हैं, ये हैंड फ्री ट्रैक को हम लोग कैसे रिपेयर करते हैं, हैंड फ्री ट्रैक को चेक करने का तरीका मैंने आपको समझाया। तो ये किसका बताया कि हेडफोन, यदि आपके पास कोई हेडफोन आते हैं तो हेडफोन में जो डिटेक्शन वाली लाइन होती है ये डिटेक्शन वाली लाइन खराब हो जाती है, जिस कारण से हेडफोन की ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो मैंने आपको सोल्यूशन बताया, एक बार फिर से समझ लीजिए, हैंड फ्री की प्रॉब्लम आती है आप मोबाइल फोन खोलिए, हैंड फ्री जैक को साफ सुफ करिए, हैंड फ्री जैक साफ सुफ करने के बाद नहीं होता, हैंड फ्री जैक को रिसोल्ड करिए, रिसोल्ड करने के बावजूद भी समस्या सेम रहती है तो आप जैक को चेंज कर सकते हैं, जैक चेंज करने के बावजूद भी प्रॉब्लम रहती है तो नीचे का यूआई चेंज कर सकते हैं, यूआई चेंज करने के बावजूद भी प्रॉब्लम सेम रहती है तो फिर आप डिटेक्शन लाइन को रिपेयर करेंगे, डिटेक्शन लाइन जब आप रिपेयर करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास दोस्त जो भी मोबाइल फोन आता है हैंड फ्री की प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे रिपेयर किया जाएगा उसका तरीका भी मैंने आपको बताया है। हैंड फ्री से संबंधित मैंने काफ़ी सारी प्रॉब्लम को मैंने ठीक करते हुए इसका वीडियो भी बनाया हुआ है, जो आप जाएंगे आपके चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो आपको मिलेगा और आप चाहें तो जाकर के देख सकते हैं कि हैंड फ्री की प्रॉब्लम को मैंने कैसे स्टेप बाय स्टेप ठीक किया है, इसका प्रैक्टिकल का वीडियो भी मैंने बना करके डाला है। तो आप चाहें तो इस वीडियो देखने के बाद इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा कि हैंड फ्री के संबंधित ऐसा वीडियो आपको होगा, उस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको उसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आप प्रैक्टिकल भी देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया है, समझाया है, बताया है, उसी माध्यम से मैंने फ़ोन भी ठीक किया हुआ है, तो आप उसका फ़ोन को ठीक होते हुए प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं, जिससे आप कंफर्म हो जाएंगे।
तो इसके माध्यम से आपके पास जो भी मोबाइल फोन आते हैं, अगर उसमें हैंड फ्री की प्रॉब्लम आती है, उस हैंड फ्री की समस्या को आप ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। फिर आज हम लोगों ने जो सीखा हुआ वो हैंड फ्री के ऊपर सीखा हुआ है, और ये हमारा जो टॉपिक है ये हमारा ट्रेसिंग का टॉपिक है कि ट्रेसिंग में हैंड फ्री की समस्या आती है, उसको कैसे रिपेयर किया जाएगा, उसको रिपेयर करने का तरीका क्या है, उसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों वीडियो को ना लंबा करते हुए आप वीडियो को, इस सारी चीज़ों को आप अच्छे से देखें और समझें, और चैनल में इन सब चीज़ों के प्रैक्टिकल से संबंधित बहुत सारा वीडियो पड़ा है, आप उन वीडियो को भी वॉच करें ताकि आपको और अच्छा समझ में आएगा। और अगर आप मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग से संबंधित अगर आप कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ट्रेनिंग सेंटर को आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग आपको मिलती है, जिसमें पूरा कंप्लीट हार्डवेयर होता है, कंप्लीट सॉफ्टवेयर होता है, ए से लेकर जेड तक, पूरा थ्योरेटिकल से लेकर प्रैक्टिकल तक, पूरा ए से लेकर जेड तक, जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग आपको मिलती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक वीडियो देखने के बाद अपना एक पॉजिटिव मैसेज भी करें ताकि हम भी समझे कि आपको वीडियो में सारी चीज़ें समझ में आई हैं। और कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आती है तो नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें, 6391711711, 6391211211। इन दोनों में किसी भी नंबर पर फ़ोन करें। अगर दिन में क्लास देखना चाहते हैं तो इनमें वीडियो कॉल करें, वीडियो कॉल के माध्यम से क्लास देखें, कैसे क्लासेस चल रही हैं, किस तरीके से लोग सीख रहे हैं और आप भी कैसे सीखने वाले हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।